गोविंदं प्रपद्येऽहं दीनान्यजयतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्दजलायकार्कं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेवनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसेनम् नवजलधरवरणं चम्पकोद्भासितरणं विकसितनलिनाशियं विस्फुरन् मन्दहासियं कनकडुसुदुकूलं चारुवर्हावशूलं कमपि निखिलसारं लोनुगोपीकुमारम् वंशी विभूषित करान्नवनीयदाभात् सीताम्बराधरुणबिम्ब फलाधरोस्तात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाध्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योति किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचरन् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मोधावति जगजानी करुण प्रणाम जोर जुग पानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सभी को नमस्कार। दो ढाई वर्ष की हमारी उम्र तो सार्थक और बाकी सब व्यर्थ गई ना। तो असल में मानव जीवन में दो ढाई वर्ष ही आए तो कैसे कहे कि हम 70 वर्ष के हैं, तो व्यर्थ गए, मनुष्य थे ही नहीं। ये महाराज बुरी लगती है बात, पर है बड़ी सच्ची। मानव की मानवता का प्रारंभ होता है भगवान की ओर लगने पर, अन्यथा वो मानव के रूप में कहीं पशु है, कहीं दानव है, कहीं असुर है, कहीं पिशाच है। भगवान की ओर जीवन लगने के लिए ही मनुष्य का शरीर दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये 2-2.5 वर्ष की हमारी उम्र है और 2,000-4,000 रुपए जो भगवान के काम में लगे हैं इतने के हम धनी हैं, बाकी सब यही रह जाएंगे। सच्ची बात है, जो जो समय भगवान के काम में लगा वो समय सार्थक। और हमारे पास जो साधन है, कुछ भी हो, धन हो, विद्या हो, बुद्धि हो और कोई चीज हो, जो भगवान की सेवा में लग जाए वो सार्थक, नहीं तो व्यर्थ तो होता ही है। पर व्यर्थ के साथ एक बड़ी भारी बुरी चीज है जिसका बड़ा खतरा मानव जीवन में कहीं नहीं। मनुष्य का शरीर बड़ा उत्तम, पर मनुष्य के शरीर के समान निकृष्ट कोई नहीं। ये कर्म योगनी है, कर्म जीवन है। आप देखते हैं, हम लोग देखते हैं, बैलगाड़ी जा रही है, दोपहर का समय है, बड़ी कड़ाके की धूप पड़ रही है, जेठ का महीना है, बैलों पर लगा हुआ 70 मन 100 मन बोझा, वो चल नहीं सकते कहीं, प्यास के मारे जीभ बाहर निकल आती है, कहीं विश्राम करना चाहते हैं पर डंडा पड़ता है, चलना पड़ता है। तो ये क्या बात है, ये मानव जीवन की कमाई का फल है,
भजन बिन बैर गिराने भय हो। गुरुदास जी ने गाया कि अगर भजन नहीं करोगे तो दूसरों के बैल बनेंगे, जंगली बैल नहीं। स्वतंत्रता से कर्म नकेल नकेल रहेगी, दूसरों के हाथ में डंडा रहेगा। प्यास मरते हो मरा करो, भूख मरते हो मरा करो, बोझ नहीं सह सकते, कहना पड़ेगा जबरदस्ती। तो मनुष्य का जीवन ये कर्म जीवन है, कर्म योनि है। क्षेत्रम इसे खेत कहा, इस खेत में हम जैसा बीज बोते हैं उसी प्रकार का फल उससे अनंत गुना अधिक होता है। तो मनुष्य जीवन यदि ठीक ठीक अपने जीवन के उद्देश्य में लगा, यही तन कर फल विषय भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, मर तन पाय विषय मन गृही, पलक सुधा ते सत विषय ही, काय कबह भल कह न कोई, गुंजा गहल परस मन खोई। तुलसीदास जी की भाषा में भगवान राम का उपदेश है, स्वयं भगवान का उपदेश। वो कहते हैं कि ये जो शरीर है मानव शरीर, ये भोगों के लिए है ही नहीं, न तो इसमें भोग करने की उतनी शक्ति है जितनी पशुओं में है, राक्षसों में है, और जल न उतने भोग्य पदार्थ हैं जो स्वर्ग आदि में है। तो ये तो इसीलिए है, मनुष्य जीवन की यही विशेषता है कि इसमें सत्कर्म करके मनुष्य अपने भविष्य को बना सकता, और भगवान में लग करके सदा सदा के लिए जीवन को दुखों से मुक्त करके भगवान की सन्निधि में रहने का अधिकार पा सकता। तो इस तरफ जिसका जीवन लगा वो तो ठीक, तो बहुत समझने की, सबके समझने की चीज है, करने की चीज है। और यदि ये जीवन बुरी तरफ लगा तो जितना बुरा फल, जितनी बुरी कमाई मनुष्य कर सकता है, उतनी बुरी कमाई पशु पक्षी, ये बाघ सिंह सांप हिंसक जंतु नहीं कर सकते। ये जितने भी हिंसक प्राणी हैं, इनके सामने जब कोई शिकार आता है तब उसे वो मार लेते हैं, भूख लगती है तब किसी का वध करते हैं, लड़ाई का मौका आता तो लड़ लेते हैं। पर मनुष्य तो कसाई खानों की स्कीम बनाता है। अभी हमारे सरकार ने 4 वैज्ञानिक कसाई खाने खोलने की योजना बनाई है, 4 प्रांतों में, एक बंबई में, एक कलकत्ते में, एक दिल्ली में, एक मद्रास में, आसपास 2 करोड़ रुपए के ये कसाई खाने होंगे, और उनमें वैज्ञानिक यंत्र रहेंगे पशुओं का वध करने वाले, और लगभग 6,000 पशुओं का रोज वध होगा एक एक कसाई खाने। अब मनुष्य के सिवा कौन व्याघ, कौन सिंह, कौन सांप ये योजना बना करके इतनी हिंसा कर सकता है? ये मनुष्य का यदि जीवन बिगड़े, उल्टा चले, अपना और जगत का ये बहुत बड़ा विनाश, नाश, पतन कर सकता है, और अपने लिए तो महान पतन है ही, भगवान ने लगा। निर्देह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्म धारम मयानुकूल नभस्वतेसम पुमान भयाभि न करोत स आत्महा। ये भागवत में ये भी श्री भगवान के वचन है।
भगवान कहते हैं कि जो बड़ा दुर्लभ मानव शरीर जो संसार सागर से तर जाने के लिए सुदृढ़ नौका के समान वो दे दिया गया सुलभता से मृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम। और नाव हो और कोई खेने वाला न हो तो शायद नाव डूब जाए। तो संत महात्मा भगवान के प्रेमी जन अनुभवी संत गुरु आचार्य ये कर्मधार मिले नाव डूबेगी नहीं खेना जानते हैं। और भाई कहीं हवा अनुकूल न हो आंधी चल पड़े विपरीत वायु हो तब अच्छा खरैया होने पर भी डर रहता है तो मयानुकूल भगवान के भगवान यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी कृपा है। भगवान कहते हैं कि मेरी दया मैंने मनुष्यों को दे रखी है। हाँ दे रखी है कृपा ये है ही तुम अगर इसे लाभ न उठाओ। गीता में साफ शब्दों में घोषणा की सूर्यम सर्वभूतानाम भक्तानाम नहीं कहा। अरे तुम एक प्राणी हो के नहीं बोले प्राणी तो है तो मेरा सौहार्द तुम्हारी संपत्ति है तुम इसे लाभ उठा लो कितना सौहार्द है। तो ऐसे सौहार्द वाले भगवान अपनी कृपा हम पर नित्य बरसाते रहते हैं। तो मनुष्य का शरीर मिला कर्णधार गुरु मिले और भगवान की कृपा मिले इतने पर भी तुमान भवा भिन्न करे जो मनुष्य भव सागर से पार नहीं करता स आत्मा वो आत्महत्या है। तो मनुष्य देह बहुत बुरा यदि वो भोगों में लग करके किसी बुरे पथ में पतन के पथ में कहीं लग गया तो पता नहीं कितनी कितनी योनियों तक कितने दीर्घ काल तक उसे फिर इसी दुख सागर में देके खाने पड़ेंगे। और जीवन में उसका जीवन अपने लिए और सबके लिए बड़ा खतरनाक उसके संग में आया उसे दुख मिलेगा उसके पास बैठा तो दुर्गंधी मिलेगी पीड़ा मिलेगी जलन मिलेगी। ते नर नरक रूप जीवत जग ते नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन तद विमुख अभागी। बड़ा सुंदर तुलसीदास जी ने ये भाग्यवान और अभागे का व्याख्यान है उनके शब्दों में भेजने का भाग्यवान कौन। हमारे मारवाड़ियों में और भी प्रांतों में है इधर दक्षिण में कई जगह जिसके पास संसार का वैभव आ गया कहते हैं भाग्यवान है। पर यदि वो भगवान में न लगा है तो वो सारा वैभव उसे नरकों में ले जाएगा फूटे भाग्य का है। भाग्यवान रमा विलास राम अनुरागी तजत रमन इव नर बड़भागी। भाग्यवान बड़भागी कौन जो भगवान के चरणारविंद का अनुरागी और जो रमा के विलास का बमन सदृश परित्यागी। और अभागा सुनहु उमा के लोग अभागी हरि तज हूँ विषय अनुरागी। भगवान को छोड़कर जो विषयों में प्रेम करते हैं भोगों में भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती वे अभागे हैं। तो वे ही अभागे नहीं वो कहते हैं कि केवल अभागे नहीं है केवल मरे का रूप जीव से जग जो भगवत चरणारविंद से विमुख है वो केवल अभागा ही नहीं है उसका जीवन नरकमय है नरक रूप है नरक रूप ते नर नरक रूप नरक की ज्वाला के समीप पहुंचा किसी जलती भट्टी के पास पहुंच जाइए गर्मी में बड़ी पीड़ा होगी बड़ी गर्मी मालूम होगी किसी
मलाबार के पास पहुंच जाइए, म्यूनिस्पल्टी के रहते स्थान स्थान पर डबल सेकंड गाड़ी भी निकल गई मन की, तो इतनी दुर्गंध आए भी कि ये नाक रोकना पड़ेगा। तो जो नरक रूप हैं उनके पास बैठने वालों को, उनसे मिलने वालों को क्या मिलेगा? वही नरक की यंत्रणा, वही नरक की दुर्गंध, वही नरक का दुख। तो वे ऐसा क्यों करते हैं? ये बहुत समझने की बातें, व्याख्यान की बात नहीं, अपने जीवन में उतारने की बातें, सोचने की बातें, विचार करने की। जैसे किसी व्यापारी के बहुत घाटा लग रहा हो, या किसी का जीवन समाप्त हो रहा हो, उस समय जैसे बड़ी गंभीरता से बहुत सीरियसली बैठ करके घर के लोग सोचते हैं क्या करें। इसी प्रकार हमारे ये मानव जीवन का दिवाला निकल रहा है, समाप्त होने वाला है, कब खत्म हो जाए कुछ पता नहीं। इसलिए बड़ी गंभीरता से केवल कौतूहल से सुनने के कहने के लिए नहीं, बड़ी गंभीरता से अंदर से मन लगाकर ये सोचने की चीज है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो भगवान को भूल जाना और भगवान को भूले हुए भोगों में लगे रह करके मर जाना, ये जीवन की सबसे बड़ी असफलता है। सफल जो मानते रहे बोले हम बिल्डर ऑफ द नेशन है, बोले हम राष्ट्र निर्माता है। क्या हुआ राष्ट्र निर्माण? अपना अपना निर्माण नहीं किया, राष्ट्र निर्माता किसी एक दल में लेकर के कुछ दिनों के लिए कोई कामयाबी प्राप्त कर ली, बैर विरोध नहीं मिटा, कलह नहीं मिटा, राग नहीं मिटा, द्वंद्व नहीं मिटा और दुख नहीं मिटा, अशांति नहीं मिटी, निरंतर अशांति रहती है। तो ये सबसे बड़ी असफलता है मानव की। मानव यदि भगवान की ओर चलना शुरू कर दे, थोड़ा भी चले और चलते चलते मर जाए तो हर्ज नहीं है, इस मार्ग पर तो आएगा। पूर्वाभ्यास नियति सह, फिर उस मार्ग पर भगवान उसे चलाएंगे। पर जो उन्नति के नाम पर, जीवन की सफलता के नाम पर केवल भोग जगत में रमता है, भोग जगत में जिसका ममत्व है, वो तो अपने आप अपनी हत्या कर रहा है, अपने आप दुखों की राशि को जला रहा है, अपने आप वो दुख सागर में निमग्न होने जा रहा है। ये सबसे बड़ी मनुष्य की मूर्खता, भगवान ने मूर्ख कहा। और यहाँ इस पद में तुलसीदास जी ने सठ कहा है आगे, तो भाई क्यों ऐसा करते हैं? सुतमितदार भवन ममता निश, सोवत अति मत कद हूं जाग, ये मेरा, जो मेरा नहीं उसे मेरा बना दो और जो मेरा है उसे मेरा रखते रहो, कहीं ये चला न जाए, इस भय से त्रस्त रहो और चला जाने पर रोते रहो। ये बिल्कुल ठीक यही रूप है हमारा, जो मेरा है वो बना रहे और मेरा बढ़ता रहे, दूसरों की चीज मेरी बनती रहे, एक ही उसका क्या नाम हम कुछ भी रख दें, उन्नति रख दें, विकास रख दें, न मालूम क्या क्या। तो मेरा जो है बना रहे और मेरा बढ़ता रहे, मेरा चला न जाए ये भय भय बना और चला जाने पर रोना विषाद बना, ये चार चीजें खास रखती हम सबके। भले अरबपति हो, करोड़पति हो, कहीं का प्रेसिडेंट हो, अधिकारी हो, सबको हम ये जलता देखते हैं, जलता देखते हैं। बहुतों से कभी कभी बात हो जाती, कई लोगों से जो बहुत बड़े माने जाते हैं अधिकार में भी, पद में भी, धन में भी, उनके अंतर के बात में कहते हैं, कहते हैं हम सही खा दुखी को जल रहे हैं राजन, और जलन के कारण विभिन्न है, पर ये जलन कभी मिट नहीं सकती। आग में बैठकर
जलन से मुक्त वही होगा जो प्रभाद होगा। ईंधन से कभी बुझे मकान अपने तुल से कहीं बिखे भोग नहीं भीते। जितना जितना अधिक अधिक विषयों का संग्रह होगा उतनी उतनी भक्ति अधिक जलेगी, किसी को संदेह की बात नहीं। जितनी बड़ी आग उतनी बड़ी बात आप, जितनी बड़ी आग उतनी बड़ी ईंधन की अधिक आवश्यकता, ये स्वाभाविक बात है। कि जलन से छूटे नहीं तो कहते हैं कि तुलसीदास हरिनाम सुधा कवि सठ हथिपियत विषय विषनामी। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सठ जो है मूर्ख, ये क्या करता है। हरिनाम सुधा कवि भगवान के नाम के अमृत को छोड़कर भगवान का नाम आना चाहता है। सचमुच भगवान हमारे घर में हमारे हृदय मंदिर में आना चाहते हैं, हम उन्हें धक्का दे के निकाल देते। नो वेकेशन, यहाँ स्थान स्थान खाली नहीं है। ये हमने लिख रखा है, ये जो भगवान की याद आती है ये मन में भगवान आते हैं, स्मृति मन में होती है ना। भगवान कभी याद आए तो मन में आए ना भगवान, और हम स्मृति को भूल कर दूसरे किसी विषय में चित्त लगा लेते हैं तो भगवान को धक्का देकर निकाला कि नहीं, आए हुए भगवान को निकाल दिया कि नहीं। तो भगवान नित्य नित्य हमारे अंदर बैठे हुए अपनी को प्रकट करना चाहते हैं। अरे बैठे हो देख लो, तुम आ गए देख लो, बोले मना कभी आप फुसक नहीं है, जरूरी काम कर लो, पीछे आपसे बात करेंगे। हम भगवान को भूलते क्या हैं, भूलते क्यों हैं? सच्ची बात है, दूसरे जरूरी कामों को नहीं भूलते। हमारी धारणा में दूसरे चीजों की उतनी आवश्यकता है, बल्कि उससे बड़ी आवश्यकता है जितनी आवश्यकता है भगवान को स्मरण रखने की। इसीलिए भगवान को भूलते नहीं, कभी भूला जाए भगवान, भगवान कहीं स्मृति हो नहीं सकती। तुम सुधा हरिनाम सुधा कवि सख हरिदी सुनकर स्वाम श्रदाल सब सजन जन्मत जगत जन्म दुख लागे। वो कहते हैं कि ऐसे मनुष्य जो भगवान को न भज के भोगों को भजते हैं, उनका जीवन कैसा है, जैसे सूअर, जैसे कुत्ता, जैसे सियार। ये जैसे माता को दुख देने के लिए जगत का कोई भला नहीं कर सकते, ये पैदा होते हैं मर जाते हैं, इसी प्रकार ये सख मनुष्य मर जाते हैं। भगवान ने बड़ी सावधानी के साथ कहा, गीता की शिक्षा जैसे देखे भगवान के मन में जीवों पर एक दया प्रकट हो गई, बड़ी करुणा। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम दैव्य मनुष्य हो, इसीलिए हम तुम्हारे साथ हैं। असुर भावापन्न कभी न बन जाना। असुरों का स्वभाव बताते हुए भगवान ने कहा, असुर क्या करते हैं, असुर मानव ये मानते हैं कामों को भेद करना एकावत तो निश्चिता अकुटल शक्त है उनका, उनका ये सिद्धांत निश्चित है कि जगत में भोगों का अर्जन करो और भोगो बस, और कुछ नहीं करना। किसी प्रकार से भोग आए और उन्हें हम भोग है। भोग का अर्थ केवल खाने की चीज नहीं, मान कीर्ति यश पद अधिकार इंद्रियों के सारे भोग, मन को प्रसन्न करने वाले भोग, ये सब के सब भोग हैं। तो ये बस भोगों का किसी प्रकार से संग्रह होता रहे और हम भोगते रहे, इससे बढ़कर इसके अतिरिक्त जीवन में कोई कार्य नहीं। तो उनको चार चीजें मिलती हैं, अपने अपने हृदय पर हाथ धर के देख लीजिए। मैं तो अपनी बात कहता हूं, चार चीजें मिलती है, हमारा ध्यान दीजिए।
चिंता न कर्मयांत प्रयांतानुपासका है। भोगासक्त आदमी कभी कभी चिंता से मुक्त नहीं हो सकता। जीवन के अंतिम क्षण तक अगर होश हवास बना रहा तो अपरिमित चिंता बनी रहेगी। वो चिंता मन में जलता रहेगा निरंतर मर के दम तक। तो जीवन में चिंता मिलेगी, चिंता चिंता होने का चिंतन करने से चिंता जा, ये तो चिंता पैदा करने वाली चीजों का चिंतन और संग्रह चिंता को बढ़ाता है घटाता ना। दूसरी चीज क्या मिलेगी, अनेक चित्त भ्रांता है, निरंतर निरंतर चित्त शांत बना रहेगा। लोग पूछते हैं शांति नहीं मिलती, शांति बाजार में नहीं मिलती, शांति किसी चीज में नहीं आती, शांति जहां है वहां से हम दूर भागते हैं, अशांति की ओर रात दिन दौड़ते हैं और शांति नहीं मिलती। ये कहते हैं आज से, बल्कि आज का उन्नत जगत कहता है अशांति की आवश्यकता है। अशांति जीवन है, अशांति के बिना जीवन मुर्दा हो जाता, आलसी हो जाता है। तो अशांति और शांति का ठीक मैं नहीं समझते, इसलिए ऐसे लोग बात कहते हैं। तो जीवन में शांति कैसे मिले, शांति कहाँ है। सुहृदम सर्वभूता नाम ज्ञात्वा नाम शांति मृच्छति, शांति कहाँ है। विहाय कामान यह सर्वान तुमा चरित निष्पृह निर्मल निरहंकार स शांति नदी गच्छति। शांति भगवान के चरण अरविंद में है। भोग कामना में, भोग स्प्रिया में, भोग ममता में, भोग अहंकार में शांति, इनकी परित्याग में, इनका परित्याग सहज होता है भगवान के स्वभाव पर विश्वास करने में। बड़ी सीधी बात, भगवान हमारे हैं ये साधन बताता हूँ शांति प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए। वो विश्वास कर लें, वो मान लें, हम नीच हैं, पापी हैं, पामर हैं, कैसे भी हैं, हम जैसे भी हैं, भगवान की हम पर कृपा बरस रही है ये मान लें। सुरगम सर्वभूता नाम, सर्वभूता नाम है यहाँ पर ज्ञातवा नाम शांति में क्षति शांति मिल जाएगी। लेकिन जहाँ ये नहीं है वहाँ जीवन में एक चिंता आई, एक अशांति आई। तीसरी चीज क्या मिलती है फिर मानव को, वो मिलती है पाप का कारखाना, फैक्ट्री, जिसमें से नए नए पापों का उत्पादन होता है, पापी का प्रोडक्शन होता है उसमें से। भोगाकांक्षा को लेकर भोग कामना ग्रस्त आदमी ये कहे तो मुझसे पाप नहीं होता, या तो भूल से कहता है या जान बूझ के झूठ बोलता है। जितने भी पाप होते हैं उन सारे पापों में मुख्य है भोग कामना। अर्जुन के सामने ये मन में प्रश्न पैदा हुआ अर्जुन के मन में। अर्जुन ने सोचा कि मनुष्य बुद्धिमान है, जानता है ये बुरी चीज है, नहीं करनी चाहिए। मन करता है न करूं, फिर भी कर बैठता है, तो करवाता कौन है। तो अर्जुन का था प्रश्न, असत्येन प्रयुक्तेयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेयः बलादिव नियोजितः भगवन् वार्ष्णेयः अनिच्छन्नपि। इच्छा नहीं है पाप कर, मन नहीं चाहता पाप कर, पर जैसे कोई जबरदस्ती बला आदि जबरदस्ती की तरह जैसे कोई लगा के करवा दे, उसमें नियुक्त कर दे, तो महाराज वो लगाने वाला कौन है जरा आप बताइए। इच्छा नहीं जो पाप करें, पर पाप करता है, पाप करता है जबरदस्ती लगाया हुआ था विद्यमान आदमी ने, और तुम क्यों कहता है, वो कौन लगाता है। तो भगवान ने नहीं कहा कि तुम्हारे प्रायत्न लिखा है ना,
भगवान का काम है समुद्र महासमु महापात्मा विद्योनी वैरिनम। इस बैरी को तुमने अपने अंदर ताल रखा है, ये कामना रूपी बैरी यही चोट खाकर क्रोध बन जाता है, और ये काम ये कामना इतना ये खाने वाला है महासन है, जितना दिए जाओ उतना पेट खाली होगा इसका। महापापी है महापाप में लगाने वाला है, इसको तुम बैरी जानो तो मारो कैसे, तुम हमारे हो जाओ। हमारे जब तुम हो जाओगे तब तुम्हारा आत्मस्वरूप ये निखर उठेगा, और आत्मस्वरूप जहाँ तुम्हारा निखर उठा वहां सब 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 ये जितने हैं ये तुम्हारे सबके सब अनुगत हो जाएंगे। इंद्रिया अनुपराण या हो इंद्रिय गत परम मन मन सत्यपरा बुद्धि ये बुद्धे परतस्तुषा एवं बुद्धे परम बुधवा संस्थ्यात्मान आत्मना जहि सत्यम महाबाहो काम रूपम जरासदम काम प्रभु प्राप्त करो काम को मारो। तो तीसरी चीज याद रखिएगा, असुर मानव को एक चीज मिलती है जीवन भर की चिंता, दूसरी चीज मिलती है जीवन भर की चित्त की अशांति, तीसरी चीज मिलती है नए नए पापों का संग्रह उपार्जन कारखाने बन जाता है जीवन पाप का पाप की भक्ति बन जाती है, चौथा क्या मिलता है दुख से मरना। जिसका मन भोगों में आ सकता है जिसका मन संसार के पदार्थों में ममता युक्त है उसे मरना पड़ता है, मजबूर है वो मरने के लिए जी सकता नहीं, पर मरते समय उन वस्तुओं में उन पदार्थों में प्राणियों में जिसके ममत्व का बंधन बना है वो उसे बड़ा दुखी करता है। हाँ ये छूट रहे हैं, रख सकता नहीं और सांस ले जा सकता नहीं, जिसकी चाबी किसी भी नहीं ले पाऊ वो वीर आत्मा मरता हुआ या मरकर अलग खड़ा देखता है कि सारी चाबियां खोली जा रही हैं, सब तिजोरियों को लोग देख रहे हैं छिपी हुई चीज थी, हाय हाय मेरा गया, दुख से मरता है। और परिणाम क्या होता है फिर इसका और आगे परिणाम क्या होता है, प्रचंड तुम्हारे पे ऐसे कहूं कि सब भगवान के बात है, असुख नरक में पड़ता है। ये सब कह करके भगवान मानो इस दुखी से हो गए, दुखी से हाय हाय ये जीव ने क्या किया, मेरी कृपा कितनी अवेलेबल कि कितनी जीव की मूर्खता, मैंने मानव जन्म दिया, मैंने साधनाएं दी सुविधाएं दी इंद्रियां दी शास्त्र दिए संत दिए महात्मा दिए और अपनी कृपा भी दी, लेकिन और जी इसलिए मुझे ताले, मैंने कह दिया तुम मुझे तालोगे, यो मानव देह में जाओ तुम ये कर मुझे तालोगे, पर नाम अपराधी है भगवान के शब्द है नाम अपराधी है, मैं तो बिना पाए रही है मुझको तो पाया नहीं, पर यदि कहीं नहीं रह जाते तब भी कह सकता आदमी कि भाई जहाँ थे वहीं रह गए, आप नहीं मिले खैर नहीं मिले घाटों में तो बहुत रहे, पर बोले ये नहीं हुआ यहाँ इन लोगों ने ऐसे जीवन में क्या काम किस क्या फल होगा। तो आखिरी ये निमातन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी माम अप्राप्य कौन से कौन से, बड़े प्यार से बोले भैया अर्जुन देखो क्या बताऊं, आए थे मनुष्य शरीर में मुझे पाने के लिए, वो तो दर्शनार रहा, ऐसे उन्होंने कर्म किए मूर्खों ने, इसका फल ये होगा कि बार बार जन्मन जन्मन एक भी जन्म नहीं जन्म जन्म में आसुर योनि की प्राप्ति होगी, और आसुर योनि की प्राप्ति होकर के ही छुटकारा नहीं होगा, तथा अधमाम गति न्याय थी, उसके बाद फिर नरकों की प्राप्ति होगी अधम गति की प्राप्ति होगी, ये मनुष्य की कितनी बड़ी मूर्खता है।